नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैलेंटाइन डे आने में बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में कई सिंगल लोग हैं जिन्हें प्यार नहीं मिलता और वैलेंटाइन डे अकेले मनाने पर मजबूर हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरकीब बताने वाले हैं जिसको अपनाकर आप मनचाहा प्यार पा सकते हैं, वह भी ऐसा प्यार जो लंबे समय तक टिकेगा और आजीवन पार्टनर का साथ बना रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची से आने वाली शास्त्र में मनचाहा प्यार पाने के लिए कई तरीके हैं, इनको बताते हैं हमारे ज्योतिषवीर लोग। इन तरीकों को अगर पूरे मन और अटूट विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को जीवन में शुद्ध प्यार मिलेगा और यह प्यार मरते दम तक के लिए टिका रहता है। हर राशि के लिए तरीका अलग अलग है, इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति को अपना राशि ज्योतिष से दिखाना लेना चाहिए। दरअसल व्यक्ति को प्यार कब मिलेगा और वह प्रेम कितना टिकेगा, यह प्रेम फर्जी है या फिर आपका प्रेम सच्चा है, यह सब चीजें का संबंध आपकी कुंडली के पांचवें भाव से है। अगर आपका पांचवा भाव मजबूत है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कई बार कुंडली का पांचवा भाव कमजोर होता है। ऐसे में पांचवा भाव का एक बीज मंत्र होता है। उन्होंने बताया कि हर राशि के अनुसार व्यक्ति के पांचवा भाव का स्वामी अलग अलग होता है, किसी का चंद्रमा तो किसी का बृहस्पति। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए पांचवा भाव का बीज मंत्र भी अलग अलग होता है। उस बीज मंत्र का अगर आप व्यक्ति पूरे श्रद्धा के साथ उच्चारण कर ले तो जल्द ही आपको प्रेम तो मिलेगा ही और वह भी बिल्कुल शुद्ध होगा और ता उम्र तक चलेगा। इसके बाद बताया जाता है कि किसी भी मंत्र का उच्चारण अगर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो उसका लाभ 5 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें तुरंत लाभ लेने के लिए सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद बिल्कुल शुद्धता के साथ जमीन पर बैठकर अपने इष्ट देवता के सामने बीज मंत्र का उच्चारण करें। कितनी बार उच्चारण करना है यह आपकी राशि और पांचवें भाव के स्वामी पर निर्भर करता है, जो आपकी कुंडली देखकर ही कोई ज्योतिषाचार्य बता सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।